बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी मैं व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बालों को कलर करने के लिए, डार्क ब्राउन कलर देने के लिए। जो वाइट बाल हैं उनको हम मेहंदी भी इस्तेमाल करेंगे, और जो डाई कलर है हमारे होगा हमारे पास, हम वो भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों का जो है बाल बहुत कम होते हैं वाइट, तो उन लोगों के लिए ये मैंने रेमेडी लाई हूँ। ये व्यूवर्स, आप लोगों ने अप्लाई करना है और फिर मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसका आपको रिज़ल्ट कैसा लगा। तो ये जिन लोगों के बाल बहुत कम मिकदार में वाइट हैं, वो ये ट्यूब जो है पूरी ना इस्तेमाल करें, सिर्फ इसमें से थोड़े से जितने आपके बाल वाइट हैं उस पर आप लोगों ने पहले सबसे पहले इसको अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको हिना का के बारे में बताऊंगी, मेहंदी, डार्क ब्राउन मेहंदी जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये ले लेना है कलर, ये बाज़ार से आम दुकानों पे से मिल जाता है 35 रुपीज़ का, तो ये है भी सस्ता और हर बंदा जो है इसको अफोर्ड कर सकता है। तो व्यूवर्स, इसको आप लोगों ने ऐसे ये ले लेना है डेवलपर और ट्यूब, और फिर इसको आप लोगों ने इसको मैं इस्तेमाल, इसमें ये डेवलपर है और ये ट्यूब है, और आप लोगों ने इसको पहले मिक्स कर लेना है इसमें, और ये इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल यूज़ करना है। मैं अभी आप लोगों को सारा मिक्स करके बताती हूँ। और एरोवेला जेल जो है ये आप लोगों ने हिना में इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इसको आप मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका। ये ट्यूब हम लोगों ने निकालनी है, इसमें से हाफ जितनी भी आप लोगों को चाहिए, जिनके बाल थोड़े हैं उनके लिए तो ये बस केवल थोड़ी सी ही यूज़ होगी, क्योंकि फ्रंट पे अक्सर लोगों के बाल आ जाते हैं, तो वो मेरी अक्सर कस्टमर आ जाती हैं, तो वो हमें यही कहती हैं कि हम मेहंदी लगाती हैं तो बिल्कुल मेहंदी का कलर बहुत बुरा लगता है वाइट बालों पे। तो आप लोगों ने पहले ये कलर इस्तेमाल कर लेना है और ऐसे बना कर कलर लगा लें, और फिर उसके बाद साथ ही आप लोग चाहे आप चाहें तो मेहंदी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने जो वाइट बाल हैं आप लोगों के उन पे आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है, और ये जो है इसको, क्योंकि जब कलर हो जाता है तो फिर उस पर जो मेहंदी का जो कलर है वो नहीं चढ़ता। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पहले आप ये कलर लगा लें, और फिर उसके बाद अगर आप धो कर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों को ये है कि जल्दी है, आप लोगों ने कहीं जाना है किसी फंक्शन में, तो आप लोग इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप लोगों ने इसमें ये डिवेलपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये इसको इसमें ऐसे इसमें मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं वो बालों में आपको शाइन देंगे और कलर भी अच्छा आएगा बालों में, ठीक है। ये इसको मैंने बालों में आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले मैं ये अपने बालों में अब अप्लाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को मैं अगर हो सका तो दिखा भी दूंगी कि ये मेरे बालों पे वाइट बाल जो है मेरे उनके ऊपर कैसा रिजल्ट आया है, ठीक है। पर ये वाइट बाल हैं, अब मैं इस पे कलर जो है अप्लाई करने लगी हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी हिना लगाकर। तो व्यूवर्स, ये मैंने अप्लाई कर लिया है, अब इसको जो है मैं कलर जब बालों में आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं इसमें जो है हिना इस्तेमाल करने लगी हूँ, ओके कर। तो व्यूवर्स, अब इसमें हम ये जो है ये इसकी रेमेडी मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर की हुई है ना, मेहंदी के साथ आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इसको कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अब जो है मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कलर के साथ, ठीक है। इसको आप लोगों ने ये शाशे पैक ले लेने हैं, जितने अगर आपके बालों को चाहिए है ना, ये पूरा पैकेट चाहिए पूरा ले लें, तो अगर छोटे बाल हैं तो थोड़ा ले सकती हैं आप, क्योंकि इसका कलर इतना बेस्ट है कि इसको थोड़ा सा भी हम इस्तेमाल करते हैं तो बालों में कलर आ जाता है इजीली। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लैक कलर को, डार्क ब्राउन कलर को आप लोगों ने अप्लाई करके और फिर मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी कम इस्तेमाल होगी, आप पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको शाशी पैक को। ये बहरहाल इसके बाद इसमें ये जो है विटामिन ई के कैप्सूल का एक कैप्सूल डाल लेने हैं और एरोवेला जेल इस्तेमाल कर लेना है। मैं ये मिक्स कर लूँ, इतने हमारे बाल कलर होते हैं तो फिर इतने हमारे बाल जो है कलर होते हैं तो फिर मैं जो है ये इतने मिक्स कर लेती हूँ मिक्सर, और फिर ये मैं बालों में अप्लाई करती हूँ। और ये व्यूवर्स, आप ये परेशान ना होना कि कलर लगाने से आपके बाल झड़ेंगे, मेरे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करती हूँ, मेरे बाल
नहीं झड़ते। तो मैं खुद अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपके बाल भी झड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें मैं जो है ना ये विटामिन ई के कैप्सूल, ये जो है हमारे बालों के लिए, नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। और एलोवेरा जेल भी, ये आपकी बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और आपके बालों को भी अच्छे शाइन और सिल्की करेगा। ठीक है, आप लोगों ने मेहंदी लगाने के बाद ये आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आपके बाल कितने शाइन हो गए हैं। ठीक, मैं ये अब इसको अप्लाई करने लगी हूँ, इसको मिक्स करने लगी हूँ, फिर मैं बालों में अप्लाई करके, तो फिर हम जो है मैं आपको दिखा तो वो दिखाऊंगी जो मेरे बाल वाइट थे और मैंने इनको कलर किया है कलर से। ठीक है, और हिना के जो मैंने लगाई है वो उसका कलर उन पर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जब मैं कलर कर लूँगी, बालों को डाई कर लूँगी हिना से और धो लूँगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी इसका रिज़ल्ट के। देखें ये आप लोगों बालों के ऊपर जो हमने कलर लगाया था उन पर उससे बिल्कुल कलर नहीं उतरा। ठीक है,